सड़क पर गिट्टी रखे जाने को लेकर हुए विवाद के चलते आरोपी युवकों द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका और उसके बेटे पर प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसके मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। दुर्ग शहर में बुधवार को सड़क पर गिट्टी रखने के विवाद में एक मां बेटे पर आफत टूट पड़ी। वही पड़ोस के ही युवक द्वारा लगातार हुए विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मिलकर आंगनबाड़ी सहायिका और उसके बेटे को ताबड़तोड़ प्राणघातक हमला कर डाला। गौरतलब है कि वार्ड 20 आदित्य नगर निवासी नीलिमा मानिकपुरी का मकान निर्माण का कार्य चलने के कारण गिट्टी सड़क पर पड़ी हुई थी। इस दौरान पड़ोसी करण सिंह, कृष्णा सिंह समेत अन्य युवकों ने मिलकर गिट्टी को लेकर नीलिमा और नानक दास मानकपुरी से विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने मिलकर महिला के जांघ में किसी चीज से हमला कर मौके से फरार हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने घायल मां बेटे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जिसके बाद प्रार्थी ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वही शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में दुर्ग CSP शिल्पा साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रार्थी जो नानदास मानिकपुर जी हैं और जो आरोपी इनका घर पड़ोस में ही है, एक का मकान बन रहा है, कुछ गिट्टी और वहाँ पर रेती वगैरह रखी हुई थी, जिस पर दोनों पड़ोसों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने पर जो आरोपी हैं करण सिंह, उनका एक और भाई है, उनमें से एक ने किसी ने चाकू से उनको चोट पहुंचाई है। इस पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दिया गया है। जी, मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है आदित्य नगर में एक दो परिवारों के बीच जो है यह मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार के यहाँ जो है भवन निर्माण का कार्य चल रहा था और भवन निर्माण के लिए जो उपयुक्त सामग्री होती है वो सड़क पे रखी हुई थी, जिसको लेकर जो है गाड़ी आने जाए की जगह चलने के लिए जगह के संबंध में इसमें आपस में है जो वाद विवाद हुआ, जिसमें एक परिवार के सदस्यों के द्वारा जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो है पीड़ित परिवार के साथ चाकू से मारपीट की गई, डंडे से भी मारपीट गई, जिनमें महिला जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अन्य को भी चोटें आई हैं। इस प्रकरण में जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें 294, 506 और 324 और 34 का जो है अपराध इसमें कायम हुआ है। आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द ही होने वाली है और विवेचना का कार्य जारी है। आरोपी फरार थे और लगभग वो हम बहुत जल्द ही उसके मतलब करीब हैं, कुछ ही समय में वो गिरफ्तारी भी हो सकती है और आगे जो विवेचना का कार्य वो भी जारी है। वार्ड पार्षद के भी संलिप्तता की खबर आई थी इसमें। देखिए, विवेचना का विषय है और उसमें अगर इस तरह की कुछ खबर आती है तो उसकी जाँच की जाएगी और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।